कोविड-19 से संबंधित कई शिकायतें अधिकारियों तक पहुंच रही हैं। यहां तक कि वैक्सीनेशन कराने के बाद भी कोरोना का दोबारा होना, इसको लेकर के कई तरह की शिकायतों के निवारण के लिए संभाग आयुक्त ने शनिवार को बैठक बुलाई। इस बैठक में मेडिकल से जुड़े विशेषज्ञ मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं सांसद शंकर लालवानी भी बैठक में शामिल हुए, जिन्होंने कोविड-19 के लक्षण से लेकर अन्य सभी शिकायतों के निवारण से जुड़ी जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि दोबारा पॉजिटिव आने पर घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन होने के बाद भी अगर ऐसा होता है तो शरीर को यह वैक्सीनेशन इम्यूनिटी से लड़ने की ताकत देगा। सिटी स्कैन कराने को लेकर डॉक्टरों ने कहा कि बिना डॉक्टर की राय के भी लोग सिटी स्कैन कराते हैं, जबकि डॉक्टर अगर कहेगा तो ही सिटी स्कैन कराना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह से परेशान होने की मरीज को जरूरत नहीं है। वैक्सीन के बारे में, अभी वैक्सीन ड्राइव चल रही है और इंदौर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पर अपने को इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम करना है ताकि हम जल्दी संक्रमण को तोड़ सकें। तो आज मीडिया का और हमारे जो मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट, चेस्ट डिपार्टमेंट, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट और वैक्सीनेशन जो ड्राइव देख रहे हैं, उनका इंटरेक्शन रखा था ताकि जो भी प्रश्न हैं, शंकाएँ हैं, वो क्लियर की जा सके और आपके माध्यम से एक लार्जर ऑडियंस, जनता तक बात पहुंचाई सके कि वैक्सीन सेफ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ गए हैं, इसलिए ये एक आज वार्तालाप आपके साथ रखा था। थैंक यू। जो बातें निकल कर आई वो क्या निकल कर? थैंक यू भाई, थैंक यू। परसेंट से कम है और डॉक्टर को ये लगता है कि हमको सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पता करना है तो सीटी स्कैन कराना जरूरी है, अदरवाइज सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं। सीटी स्कैन हमको बस सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ बताता है और अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% से ज़्यादा है तो सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं। दूसरा, फर्स्ट डोज के बाद किसी को इन्फेक्शन हो गया तो लोगों का थोड़ा उस पर विश्वास कम हो रहा है, तो इसमें जैसे बताया भी गया कि जब सेकंड पिछले दिनों जब सभी धर्मगुरु सामाजिक संगठन जनप्रतिनिधि साथ बैठे थे, उस समय एक विषय आ रहा था कि कुछ भ्रम की स्थितियाँ कभी कभी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, समाज में चलती रहती है और ये बात वहाँ प्रमुखता से आई थी। हमने ये निवेदन किया था हमारे जो टेक्निकल डॉक्टरों की टीम है कि एक प्रेजेंटेशन बनाए, उस प्रेजेंटेशन में सभी चीज़ें होना चाहिए कि कब हमें जांच करानी है, कितने दिन बाद सीटी स्कैन करानी है और बाकी जो टेक्निकल मुद्दे वो सब जनता के बीच में जाना चाहिए। और वैक्सीन के बारे में भी जब भ्रम आता है कि लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट हैं, लगाने के बाद फिर कोविड हो जाता है, तो इन सब बातों को लेके एक प्रेजेंटेशन जन जागरण के माध्यम से हमने बनाया है और हम चाहते हैं आपके माध्यम से जनता के बीच में जाए कि कब सीटी कराना चाहिए, कब हमें बाकी टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी जिस प्रकार से पैथोलॉजी लैबों पर जिस प्रकार से लोड पड़ रहा है, लोग जो उस समय नहीं कराना चाहिए वो करवा लेते हैं, जबकि सिम्टम आने के 5 दिन बाद सीटी कराना चाहिए, पहले दिन ही सीटी करा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें डॉक्टरों ने जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बनाया प्रेजेंटेशन, मैं चाहूँगा ये जन जन तक पहुँचे, लोग भ्रम नहीं फैलाएँ न भ्रम में आए, वैक्सीन लगाएं, ये इसकी समस्या का हल है। और इंदौर में 350 से ज़्यादा सेंटर खुल गए हैं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीन सेंटर हमारे इंदौर में खुले हैं। इन वैक्सीन सेंटरों पे सभी लोग जाएं और वैक्सीन लगाएं जो 45 साल से ऊपर है। धन्यवाद। सेंटर खुलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रोच करें और पहुँच जाएँ, क्योंकि कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है दूर रहता है तो वो जा नहीं पाते, इसलिए उनके आसपास क्षेत्रों में आज भी 4 जगह में स्वयं सवेर से अभी तक वैक्सीन सेक्टर का शुभारंभ करके आ रहा हूँ। सामाजिक संगठन है, व्यापारी संगठन है और अभी इंडस्ट्री वालों के यहाँ, छोटी इंडस्ट्री वालों के यहाँ भी जा रहा हूँ, तो ये अलग अलग स्थानों पर हम खोल रहे हैं ताकि लोग सुविधाजनक वैक्सीन लगा पाए। बेसिकली पोस्टमार्टम के लिए ही कमिश्नर साहब के निर्देश पे हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन को लिखा था, हमको अभी मध्य प्रदेश शासन से पोस्टमार्टम करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन वो कंडीशनल है कि हमको इथिकल कमेटी से, हमारी इथिकल कमेटी है उससे अनुमति लेना है, तो इथिकल कमेटी को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि कंसेंट ऑफ द रिलेटिव है, इन्फॉर्म कंसेंट जिसको कहते हैं, उसका फॉर्मेट हमारा 1-2 दिन में अप्रूव हो जाएगा, तो हम आवश्यकता अनुसार जिनके अटेंडेंट कहेंगे तो उनका पोस्टमार्टम करेंगे। इसको प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन मिलके करते हैं, आवश्यकता हुई तो दूसरे विभाग, मेडिसिन या जो भी कंसर्न होगा उसको भी हम इन्वॉल्व करेंगे। सर,
कोशिश है कि अप्रैल में हम इसको स्टार्ट कर पाएं। हाँ सर, टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि फैमिली की सहमति बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस और नॉर्म्स क्या रहने वाले हैं? नहीं, नॉर्म्स इसमें तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऑर्गन डोनेशन का भी काम कर रहे हैं, तो ऑर्गन डोनेशन में भी हम लोग पेशेंट के अटेंडेंट की कंसेंट लेते हैं। तो सिमिलरली इसमें अगर पेशेंट एग्री हैं कि उनके जो रिलेटिव हैं या जो भी नियर की डेथ हुई है उनका ये ज्ञान बढ़ाने के लिए, एक रिसर्च करने के लिए वो बॉडी यूज़ करने को देंगे, तो जैसे पोस्टमार्टम होता है वैसे ही होगा। एक दो घंटे में प्रोसेस का कम्प्लीट होकर बॉडी उनके अटेंडेंट को हैंड ओवर कर दी। मेडिकल कमेटी जो बनाई है, IIMA ने? नहीं, MGM मेडिकल कॉलेज। वो इथिकल कमेटी में चेयरमैन भी मेडिकल कॉलेज का नहीं है, उसमें दो NGOs हैं, एक लॉयर है, मतलब इट इज़ ए ऑटोनोमस टाइप। इवन डीन का भी उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। सर, रिसर्च के पार्ट में कौन कौन सी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेगा वो रहेगा? क्योंकि नहीं, जैसे रिसर्च में जैसे डॉक्टर पांडे ने बोला सबसे बेसिक तो लंग्स ही रहेंगे, क्योंकि ये पाया गया है कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन एकदम कम हो रहा है, और जैसा आपको पता है ना हैप्पी हाइपोक्सिया भी रहता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन इवन 60% है लेकिन लोगों को पता ही नहीं लगता कि हमारा ऑक्सीजन कम है, तो लंग्स हैं। देन इसमें ये पाया गया है कि जैसा आपने भी बताया था कि कहीं थक्के जम जाते हैं, इंट्रावस्कुलर थ्रोम्बोसिस होती है, तो वो अगर थ्रोम्बोसिस हुई है तो कहाँ हुई है, वो थ्रोम्बस कोरोनरी आर्टरी में गया है या ब्रेन को अफेक्ट किया गया है, इसमें माइक्रो डिसेक्शन भी होता है, तो वो करके पता करेंगे। सर, क्योंकि दिल्ली में ये तो सेकंड डोज भी लगाना चाहिए, सेकंड डोज जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हम फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। सर, डोज की एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी कितनी, कितने परसेंट की? हाँ, जो एफिकेसी और इफेक्टिवनेस है, जैसे कुछ कुछ वैक्सीन की तो 93% तक भी है, लेकिन अपन जो अभी वैक्सीन लगा रहे हैं उसका 80-90% एफिकेसी है। एक्चुअली में ये भी बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, अपन ने जिसको वैक्सीन लगाया उसका इम्यूनिटी लेवल कितना था, तो बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए एक रेंज रहती है हमेशा, तो अभी रफली 70-80% इफेक्टिव है। सर, पोस्टमार्टम के लिए भी मंगाएंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। इसमें मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी 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 सर। मेरा ये कहना है कि जो वैक्सीनेशन है ये एक सुरक्षा चक्र है, और इस सुरक्षा चक्र में जिसने भाग नहीं लिया वो सुरक्षा चक्र तोड़ेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी हितग्राही हैं, जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, वो 100% वैक्सीनेशन करें। 100% वैक्सीनेशन होगा तभी हमारा वो चक्र बनेगा, और उस चक्र से ही हम इस बीमारी से को दूर भगा पाए। वैक्सीन के बारे में एक सवाल हो रहा था कि 50% अगर पॉपुलेशन का अगर हो जाए, हाँ, तो शायद वो जो ग्राफ है वो एकदम कम। एग्जैक्टली वही मैं सुरक्षा चक्र की बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि जैसे एक घर में चार लोग हैं, ठीक है, और चार में अगर तीन लोगों को इम्यूनिटी है तो चौथा अगर वो इन्फेक्शन लाएगा तो आगे बढ़ा पाएगा क्या? नहीं बढ़ा पाएगा, तो बीमारी वहीं के वहीं रुक जाती है, वो बीमारी फिर एपिडेमिक फॉर्म में नहीं लेती। तो यही हम चाह रहे हैं कि अगर हम अब समझ गए ना, जैसे चार लोग हैं घर में, तीन लोगों को ऑलरेडी इम्यूनिटी है, एक बीमारी लेके आया तो वो बीमारी वहीं ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ट्रांसमिट नहीं होगी। तो जो एपिडेमिक फॉर्म में डिजीज़ आती है वो इसलिए हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि 100% जो बेनिफिशरीज हैं, जो सुरक्षा चक्र बनाने में हमें सहयोग दें।